हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनुजा एंड दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। तो हम फर्स्ट वीडियो में क्लास सिक्स का चैप्टर वन नोविंग आवर नंबर्स पर पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग नंबर्स। टू कंपेयर द नंबर्स वी हैव टू फॉलो दिस स्टेप्स। हमें नंबर कंपेयर करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। द नंबर्स विथ लेस डिजिट्स इज स्मॉलर देन द नंबर विथ मोर डिजिट्स। अगर हमारे पास दो नंबर है, फॉर एग्जांपल 84 एंड 132, तो इन दोनों में इसमें टू डिजिट्स है और इसमें थ्री डिजिट्स है, तो जिसमें कम डिजिट्स होते हैं वो नंबर स्मॉलर होता है। तो इसमें 84 इज स्मॉलर नंबर है। एंड द सेकेंड रूल इज, सपोज वी हैव टू कंपेयर द नंबर्स हैविंग सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, वी हैव टू फॉलो दिस स्टेप्स। अगर हमारे पास दो नंबर है जिसमें सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। फर्स्ट कंपेयर द डिजिट्स एट द लेफ्ट मोस्ट प्लेस इन बोथ द नंबर। तो हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो नंबर हैं, फर्स्ट नंबर इज 113 एंड सेकेंड नंबर इज 119। तो सबसे पहले हमें सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट को कंपेयर करना होगा। सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट इस नंबर में 1 है और इसमें भी 1 है, तो ये दोनों तो सेम है, इसे हम कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो अगर दोनों सेम है तो हमें सेकेंड डिजिट कंपेयर करना होगा। तो यहाँ सेकेंड डिजिट है 1 और यहाँ भी 1 है। इफ़ दे आर इक्वल इन वैल्यू देन कंपेयर द सेकेंड डिजिट्स। इफ़ द सेकेंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट आर इक्वल इन वैल्यू देन कंपेयर द थर्ड डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट। अगर दोनों भी सेम हैं तो हमें थर्ड डिजिट कंपेयर करना होगा। तो यहाँ 3 है और यहाँ 9 है, तो 3 और 9 में से 3 छोटा है, तो 113 ये छोटा नंबर है और 119 ये बड़ा नंबर है। तो यही स्टेप हमें कंटिन्यू करते जाना है जब तक हमें एक अलग नंबर नहीं मिल जाता, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कंटिन्यू अंटिल यू कम अक्रॉस द इक्वल डिजिट्स एट द करस्पोंडेंस प्लेसेस। क्लियरली द नंबर विद ग्रेटर डिजिट इज द ग्रेटेस्ट ऑफ टू। तो हमें इन सभी नंबर्स में से ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 8 में 8 है, 1 डिजिट नंबर है और बाकी के 2 डिजिट, 3 डिजिट्स और 4 डिजिट नंबर है। तो 8 में सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट है, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 3 नंबर्स 3 डिजिट ऑफ नंबर्स के हैं, 146, 965 और 380, और 4 नंबर्स 4 नंबर ऑफ डिजिट्स के हैं, 8739, 2589, 1369 और 7939, और एक टू नंबर्स ऑफ डिजिट का है 90। तो हमें इसमें से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो इन नंबर्स में सबसे ज़्यादा नंबर्स ऑफ डिजिट्स वाले फोर नंबर ऑफ डिजिट्स के नंबर हैं। तो हमें
इन चारों को कंपेयर करना होगा तो हमें सबसे बड़ा नंबर मिल जाएगा। तो हमें सबसे पहले लेफ़्ट मोस्ट डिजिट कंपेयर करना है। यहाँ लेफ़्ट मोस्ट डिजिट 8 है, यहाँ 2, यहाँ 7 और यहाँ 1। तो इनमें से 8, 2, 7 और 1 में से सबसे बड़ा नंबर है 8। तो 8739 ये सबसे बड़ा नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर। तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नंबर्स इन प्रॉपर ऑर्डर्स। हमें नंबर्स को एक प्रॉपर ऑर्डर में लगाना होता है, उसे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। असेंडिंग ऑर्डर मतलब हमें नंबर्स को स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट के अरेंजमेंट में लगाना होता है। फॉर एग्जांपल्स, हमारे पास 3 नंबर हैं, 139, 43, 116। तो हमें स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट इस नंबर को लगाना होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट ढूंढने के लिए हमें यह हम देख सकते हैं कि यह 3 नंबर ऑफ डिजिट्स है, यह भी 3 है और यह 2 है। तो सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स का नंबर सबसे छोटा होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 43। उसके बाद इन दोनों नंबर्स में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है, तो हमें सबसे पहला नंबर कंपेयर करना होगा। यह 1 है और यह भी 1 है, तो हमें सेकेंड नंबर कंपेयर करना होगा। यह 3 है और यह 1 है, तो 1 और 3 में से 1 छोटा है, तो हम सेकेंड नंबर पे 116 लिखेंगे और थर्ड नंबर 139। तो हम अब डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें नंबर्स सबसे बड़े से छोटे तक अरेंजमेंट करना होता है। तो फॉर एग्जांपल, हमारे पास 3 नंबर हैं, 38, 46 एंड 112। तो इनमें से हमें सब डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर चूज करना होगा। तो यहाँ इसमें 2 नंबर ऑफ डिजिट्स है, 46 में 2 नंबर ऑफ डिजिट्स है और 112 में 3 नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा डिजिट्स वाला नंबर सबसे बड़ा होगा, तो 112 सबसे बड़ा नंबर है। और अब हमें इन दोनों में से बड़ा नंबर फाइंड करना होगा। तो यहाँ दोनों में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है, तो हमें सबसे पहला डिजिट कंपेयर करना होगा। यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो इसमें से 4 बड़ा है, तो सेकेंड नंबर पे हम 46 लिखेंगे और थर्ड नंबर पे 38। अब हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को एग्जाम्पल से समझेंगे। अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें 4 नंबर्स दिए गए हैं, उसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने हैं। फर्स्ट नंबर इज 2439, सेकंड 6803, थर्ड 4802, फोर्थ 3929। तो अब हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं, तो हमें स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट अरेंजमेंट करनी होगी। तो इन सभी नंबर्स में 4 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो सबसे पहले हमें लेफ्ट मोस्ट डिजिट को कंपेयर करना होगा। लेफ्ट मोस्ट डिजिट फर्स्ट नंबर में 2 है, 6803 में 6 है, इसमें 4 है और
लास्ट नंबर में 3 है, तो इनमें से हमें सबसे छोटा नंबर फाइंड करना होगा। 2, 6, 4, 3 में सबसे छोटा नंबर है 2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2479, और उससे बड़ा 3 है, तो उसके बाद हम लिखेंगे 3929। और अब 6 और 4 में छोटा है 4802, और उसके बाद इनमें से सबसे बड़ा नंबर है 6803। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए भी हमें लेफ्ट मोस्ट डिजिट को कंपेयर करना होगा। तो यहाँ सबसे बड़ा डिजिट हम 6 है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 6803, और उससे छोटा 2, 4 और 3 में 4 है, तो हम उसके बाद लिखेंगे 4802। और 2 और 3 में 3 बड़ा है, तो हम 3929 लिखेंगे। और सबसे लास्ट में 2479। तो ये हो गए डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट करनी होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, मेकिंग नंबर्स यूजिंग गिवन डिजिट्स। हमें कुछ डिजिट्स दिए गए होते हैं, उससे हमें स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होता है। तो हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मेक द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग डिजिट्स 2, 3, 8, 5। हमें 2, 3, 8 और 5 ये 4 डिजिट्स दिए गए हैं, इससे हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए, टू मेक द ग्रेटेस्ट नंबर प्लेस डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें सब ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना होता है। तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर है 8, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 8। उसके बाद 2, 3 और 5 में सबसे बड़ा है 5, तो हम 5 लिखेंगे। उसके बाद 2 और 3 में बड़ा है 2, तो 3 लिखेंगे, और फिर 2। तो ये सबसे बड़ा नंबर हो गया। इन चारों डिजिट्स से 8532 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं बन सकता। तो अब हम स्मॉलेस्ट नंबर देखेंगे। टू मेक स्मॉलेस्ट नंबर प्लेस डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें डिजिट्स असेंडिंग ऑर्डर में लगाने होंगे। तो हमें सबसे पहले इन चारों डिजिट्स में सबसे छोटा नंबर देखना होगा। तो यह सबसे छोटा नंबर है 2, उससे बड़ा है 3, और 8 और 5 में 5 छोटा है, तो हम 5 लिखेंगे, और सबसे लास्ट में 8। तो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 2358। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इंट्रोड्यूसिंग 10,000। वी नो दैट 9 इज ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर, 99 इज ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर, एंड 999 इज ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। सिमिलरली ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9999। तो जैसे कि हमें पता है 9 ए सबसे बड़ा 1 डिजिट नंबर है, 99 ये सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर है, 999 ये सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है, और 9999 ये सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर है। तो हमें सबसे बड़ा 1 डिजिट नंबर मिल गया। अगर हम इसमें 1 ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा? हम 9 में 1 ऐड करके देखें तो हमें 10 मिलता है। तो 10 ए स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है। वैसे ही अगर हम 99 में 1 ऐड करते हैं तो हमें 100 मिलता है।
999 में 1 ऐड करें तो हमें 1000 मिलता है, और 9999 में 1 ऐड करें तो हमें 10000 मिलता है। तो इससे हम यह ऑब्जर्व करते हैं कि ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर प्लस 1 इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर। हमने ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर लिया था 9, और उसमें 1 ऐड किया तो हमें स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर मिल गया। जैसे वैसे ही हमने स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर में 1 ऐड किया तो हमें ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर में 1 ऐड किया तो हमें स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर मिल गया है। वैसे ही ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर में 1 ऐड किया तो हमें स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर मिल गया है। और 9999 जो कि ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर है, उसमें हमने 1 ऐड किया तो हमें 10000 मिल गया, स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर मिल गया। तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, लार्जर नंबर्स। इफ वी हैड वन मोर टू द ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट नंबर, वी गेट द स्मॉलेस्ट सेवन डिजिट नंबर, इट इज कॉल्ड 10 लाख। हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि हम अगर ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर में 1 ऐड करें तो हमें स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर मिल जाता है। वैसे ही अगर हम ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट नंबर मतलब 6 times 9 में 1 ऐड करें तो हमें स्मॉलेस्ट सेवन डिजिट नंबर मिल जाएगा। तो इसे 10 लाख कहते हैं, ये स्मॉलेस्ट सेवन डिजिट नंबर है। वैसे ही अगर हम ग्रेटेस्ट सेवन डिजिट नंबर में प्लस 1 करें तो हमें स्मॉलेस्ट एट डिजिट नंबर मिल जाता है। इसे 1 crore कहा जाता है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। 100 इज इक्वल टू 10 tens। 100 इज इक्वल टू 10 tens। 10 tens मतलब 10 into 10। अगर हम 10 बार 10 ले तो हमें 100 मिल जाता है। वैसे ही 1000 इज इक्वल टू 10 hundreds। अगर हम 10 times 100 ले तो हमें 1000 मिल जाता है। वैसे ही अगर हम 100 times 10 ले तो हमें 1000 मिल जाता है। 1 lakh, 1 lakh इज इक्वल टू 100,000। अगर हम 100 times 1000 ले, 100 into 1000 तो हमें 1 lakh मिल जाता है। वैसे ही अगर हम उसे उल्टा कर दें, 1000 times 100 ले तो हमें फिर से 1 lakh मिल जाएगा। और 1 crore मतलब 100 lakhs। तो अगर हम 100 times 1 lakh ले तो हमें 1 crore मिल जाता है। जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सभी जीरोज प्लस हो जाते हैं। इसमें 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जीरोज प्लस हो जाते हैं। यह 2 है और यहाँ 5, तो यह 1 into 1 और 7 zeros आएंगे। तो यहाँ हमें 1 crore मिल गया। वैसे ही अगर हम
10,000 टाइम्स 1,000 लेंगे तो हमें 1 crore मिल जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल अपलोड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो ऑफ दिस चैप्टर टुमारो। सो टिल देन बाय एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।